अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज के इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। प्राइस अपडेट में आज हमारे पास कोई नहीं है अपडेट्स, लेकिन अपकमिंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्राइस अपडेट्स में आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अपकमिंग डिवाइस के वाले से काफी सारे अपडेट्स हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी रिसेंटली लॉन्च डिवाइस की बात करें तो रिसेंटली आपको पता है वीवो की तरफ से Y02S लॉन्च किया गया है 30,000 रुपये प्राइस के अंदर। 3GB रैम 32GB रोम का वेरियंट, अनबॉक्सिंग हमने की है, अगर आपको नहीं मिली देखी अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अपकमिंग डिवाइस में बात करें तो शॉमी की तरफ से एक रेडमी A1+ एंट्री लेवल डिवाइस बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रही है, जिसकी लास्ट टेक न्यूज़ में भी मैंने आपको डिटेल स्पेसिफिकेशंस बताई थी। अनाउंस डेट आ चुकी है November 17, मैंने आपको कहा था मिड ऑफ नवंबर आने वाली है, तो November 16-17 को पाकिस्तान में लॉन्च कर दी जाएगी। रेडमी A1+ एंट्री लेवल की डिवाइस है, 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, मीडिया टेक हेलियो A22 की चिपसेट है, 5000mAh की बैटरी है, कोई फास्ट चार्जिंग वगैरह नहीं होगी, तो एंट्री लेवल की स्पेक्स हमें मिल रही हैं। और आएगी डिवाइस तो फिर उसको अनबॉक्स भी करेंगे और देखेंगे किस प्राइस के अंदर आती है। इसके अलावा अपकमिंग डिवाइसेज में बात करें तो वीवो की तरफ से Y22 की अपडेट्स आ रही हैं कि हो सकता है नवंबर के महीने में Vivo Y22 भी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाए। यहाँ पे हाईलाइट स्पेक्स की बात करें तो इस डिवाइस के अंदर भी 6.55 इंचेस का HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि IPS LCD पैनल होगा और ये HD+ रेजोल्यूशन यानी 720x600 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है। अभी तक जितनी डिवाइसेज आ रही हैं वो तकरीबन 6.5 इंचेस के डिस्प्ले, ये कॉम्पैक्ट साइज बन चुका है, इससे छोटे डिस्प्ले साइज में कोई डिवाइस नहीं आ रही। तो 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ सारी डिवाइसेज आ रही हैं। यहाँ पे ये भी 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगी, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा। आई थिंक ये भी एक मिड रेंज की डिवाइस है। MediaTek Helio G85 की चिपसेट को यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसमें G52 का चिप GPU मिलता है। इसके अलावा 4GB रैम 128GB रोम का वेरियंट है, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन मिल रहा है, 4GB+4GB, यानी कि 4GB के साथ 4GB एक्सटेंड कर सकते हैं रैम को, टोटल 8GB बन जाएगी और 128GB की स्टोरेज मिल रही है। इसके अलावा बैक साइड पे 50MP का कैमरा सेटअप है, मेन 2MP का मैक्रो कैमरा मिलेगा, फ्रंट कैमरा 8MP का है, डिजाइन अच्छा है डिवाइस का, ट्रेंडी फ्लैट डिजाइन यहाँ पे मिल रहा है, जो सब देख रहे हैं इस टाइम पे जितनी डिवाइसेज आ रही हैं ज्यादातर फ्लैट डिजाइन के साथ आ रही हैं। जो रिसेंटली Y02S आया वो भी ट्रेंडी फ्लैट डिजाइन के साथ आया था और ये भी फ्लैट डिजाइन के साथ आ रही है। दो कलर्स आ रहे हैं इसमें, ग्रीन कलर है और ब्लू कलर है। जिसका ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक कलर है और उसमें डिजाइन भी आपको पीछे डायमंड शेप दिखेगा, जबकि जो ब्लू कलर है वो सिंपल है लेकिन वहाँ पे भी आपको शाइनी मिल रही है, ग्लॉसी टाइप लगेगा। बैक साइड से 2.5D कर्व डिस्प्ले आपको मिलता है यहाँ पे फ्रंट साइड पे। इसके अलावा आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे आएगी, जो कि बेस करता है फ्रंट टच ऑपरेटिंग 12 पे, 5000mAh की बैटरी, 18W की फास्ट चार्जिंग। प्राइस के वाले से भी अपडेट्स नहीं है क्योंकि भी लॉन्चिंग यानी नवंबर के मिड में या एंड हो सकती है, लेकिन लॉन्चिंग डेट कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि Y21 के प्राइस टैग के अंदर उसको भी लॉन्च किया जाए, यानी Y21 40,000 रुपये की डिवाइस थी, तो इसको भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40,000 रुपये या फिर थोड़ी सी उससे यानी 42,000 रुपये तक हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो डिवाइसेज अभी आ रही हैं वो एक्सपेंसिव ही आ रही हैं। तो ये स्पेक्स आपको 40 से 42,000 रुपये के अंदर मिलेंगी वीवो की तरफ से, जब आपको 3GB 32GB मीडिया टेक हेलियो B35 30,000 रुपये में मिल रहा है, तो फिर आप इसको 40 से 42,000 रुपये के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं जब आएगी तो किस प्राइस के अंदर आती है। इसके अलावा ग्लोबल टेक न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो ग्लोबली अभी रीनो 9 सीरीज की पिक्चर्स लीक हुई हैं। डिवाइस बहुत खूबसूरत है, रीनो 9 सीरीज जो आ रही है उसमें रीनो 9 प्रो है या रीनो 9 है ये कन्फर्म नहीं किया गया, लेकिन पिक्चर्स जो आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि रीनो 9 सीरीज की पिक्चर्स हैं। बहुत खूबसूरत डिवाइस है, कर्व डिस्प्ले आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट साइड पे, और बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप आपको दिख रहा होगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, दो बड़े सेंसर है, एक छोटा सेंसर है, LED फ्लैश। डिवाइस के नए कलर्स इसमें आ रहे हैं, तीनों नए कलर्स देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रही है डिवाइस। अब देखते हैं डिवाइस चाइना में कब लॉन्च होती है, क्योंकि अभी लीक्स चल रही हैं तो पाकिस्तान में तो बहुत दूर की बात है। रीनो 8 सीरीज पाकिस्तान में नहीं आई, तो रीनो 9 सीरीज पता नहीं आती है नहीं आती, देखते हैं, लेकिन चाइना में देखेंगे कब लॉन्च होगी और क्या स्पेसिफिकेशन आएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान में पता है 11/11 की सेल चल रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में चल रही है इस टाइम पे, अलीबाबा पे अमेजोन पे भी सेल चल रही है। लेकिन अब पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो दराज पे सबसे बड़ी सेल चल रही है 11/11 की। इसके अलावा सैमसंग की वेबसाइट पे भी 11/11 की सेल चल रही है, इसमें काफी अच्छे डिस्काउंट आपको देखने को मिलेंगे। सैमसंग की वेबसाइट से अगर सैमसंग गैलेक्सी A73 आप बाय करते हैं तो 1,18,500 रुपए के प्राइस के अंदर पड़ रहा है इस टाइम पे, और इसमें 15,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि ऑफलाइन मार्केट में भी इतने का नहीं पड़ेगा, ना ही आपको दराज में मिल रहा है ना ही ऑफलाइन मार्केट में मिल रहा है। तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं, सैमसंग गैलेक्सी A73 अगर आप बाय करना चाहते हैं तो सैमसंग की वेबसाइट पर 11/11 की सेल में बहुत अच्छी प्राइस में आया हुआ है। और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इसमें S13 भी, A53 है,
S22 है जिसपे 10,000, 12,000, 11,000 रुपए आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। इसके अलावा दराज पे भी बड़ी 11,000 की सेल चल रही है और मैंने सेल स्टार्ट होने से पहले एक वीडियो बनाई थी किस तरह से आपने वाचर कलेक्ट करके रख लेने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा। और अब दराज पे सेल स्टार्ट हो चुकी है, कोशिश करेंगे आज एक और वीडियो पे मैं बनाऊँ जिसमें आपको बताऊंगा प्रोडक्ट किस तरह से बाय करनी है सारे डिस्काउंट लगा के, क्योंकि उस टाइम पे प्रोडक्ट की सेल स्टार्ट नहीं हुई थी, मैंने सिर्फ वाचर कलेक्ट करने का बता दिया था, लेकिन अभी वाचर सेल स्टार्ट हो चुकी है तो मैं बताऊंगा कौन सी प्रोडक्ट है जो कि अच्छी प्राइस के अंदर आपको मिल रही है, इस पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है और वाचर किस तरह लगाने हैं, ये वीडियो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो अगर आपने चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो से अपडेट रह सके। इसके अलावा रिसेंटली आपने देखा था ट्विटर की तरफ से न्यूज आ रही थी, जब से इलॉन मस्क ने इसको बाय किया है, जब से सोशल मीडिया में काफी ज्यादा इन है ट्विटर, बहुत ज्यादा न्यूज आ रही होती है डेली बुनियाद पर। इससे पहले न्यूज चली थी कि ट्विटर की अगर आपने वेरीफाइड ब्लू टिक रखना है तो आपको $8 पर मंथ पे करना होगा ट्विटर को, और वो अभी तक न्यूज में चल रहा था लेकिन आज के डेट से वो स्टार्ट भी हो गया है। तो जिन यूजर्स ने, जिन वेरीफाइड यूजर ने ट्विटर को पे कर दिया है $8 पर मंथ के हिसाब से, उन पे वेरीफाइड लिखा हुआ आना शुरू हो चुका है। अगर आप सर्च करेंगे रियलमी पाकिस्तान ऑफिशियल पेज, अगर आप सर्च करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल लिखा हुआ आ रहा है, यानी इन्होंने पेड कर दिया है, आज से शुरू हो चुका है। और अगर आप कोई दूसरा अकाउंट फिर सर्च करते हैं जो कि पहले वेरीफाइड अकाउंट है, टिक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल नहीं लिखा होगा क्योंकि इन्होंने पेड नहीं किया अभी तक ट्विटर को, तो आज से इस पर स्टार्ट हो गया, वर्किंग भी स्टार्ट हो गई। पहले न्यूज़ में चल रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसी फेक न्यूज़ है, ट्विटर पे नहीं लेगा चार्जेस नहीं लेगा, लेकिन स्टार्ट कर दिया ट्विटर ने, अगर आप ट्विटर को पे करेंगे $8 तो आपके अकाउंट पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, ऑफिशियल लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर आप पे नहीं करते तो ऑफिशियल लिखा हुआ नहीं आएगा आपके अकाउंट पे। इसके अलावा विंडोज़ की तरफ से अपडेट्स आ रही हैं, विंडोज़ 11 के अंदर आई क्लाउड की जो इंटीग्रेशन है वो कर दी गई है, यानी अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पहले आपको आईफोन में या विंडोज़ के अंदर फोटोज़ वगैरह को शेयर करने के लिए केबल यूज़ करनी पड़ती थी, या फिर आउटलॉक के बहुत सारे सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ते थे, बाय करने पड़ते थे, या फिर क्रैक वर्जन भी डाउनलोड करने पड़ते थे, लेकिन अब विंडोज़ फोटोज़ का जो ऐप है, विंडोज़ की अपनी ऐप है विंडोज़ 11 के अंदर, उसके अंदर आई क्लाउड की सर्विस को इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ दो एप्लीकेशन चाहिए, कोई वायर नहीं चाहिए, कोई यूएसबी केबल आपको नहीं चाहिए फोन को अटैच करने के लिए, सिर्फ दो एप्लीकेशन चाहिए, तो विंडोज़ फोटोज़ की जो ऐप है उसको आपने अपडेट कर लेना है अगर अपडेट नहीं किया हुआ, दूसरा आपको एक एप्लीकेशन और इंस्टॉल करनी है आई क्लाउड के नाम से फॉर विंडोज। दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसमें साइन इन कर लेंगे जब आप, तो आपके फोटोज ऑटोमेटिक साइन हो जाएंगी, सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा एक अपडेट और भी है विंडोज की तरफ से, गूगल क्रोम की सपोर्ट बंद कर दी गई है विंडोज 7 या विंडोज 8.1 के अंदर, यानी जो पुरानी विंडोज है उन पर गूगल सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो ओल्ड वर्जन है गूगल क्रोम का वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन न्यू वर्जन अपडेट भी नहीं कर सकते या इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करें अगर आप ओल्ड विंडोज यूज कर रहे हैं और अगर आपको गूगल क्रोम के नए वर्जन अपडेट करने हैं तो विंडोज को अपडेट करना जरूरी करना पड़ेगा। तो ये थी अभी तक की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, वीडियो को कैसे लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और जैसा कि आपको पता है हमारे तमाम वीडियोज के अंदर गिव अवेज भी हैं तमाम टेक न्यूज पे जो डेली चल रहे हैं, तो विनर का आपको पता है आसान है बहुत तरीका आप लोग विन करने का, कमेंट्स करने हैं ज़्यादा ज़रा, फिर हम रैंडम कमेंट पिक के थ्रू एक विनर सेलेक्ट कर लेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।